आज के वीडियो में दोस्तों सक्सेस स्टोरी के साथ साथ आप लोगों को एक खास तरह की नॉलेज भी देने वाला हूं, जो कि सभी को पता होना चाहिए क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ ये चीज़ हो चुकी है और होती रहती है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरा ध्यान से सुने ताकि आप भी इससे फ़ायदा ले सकें। वीडियो को लाइक करें क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक बार शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो आप ये तीनों काम जरूर करें। लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आईपिल के बारे में। दोस्तों ये एक गर्भ निरोधक दवाई है जिसको इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अनवांटेड 72 और बहुत सारी तरह तरह की अलग अलग नाम से मार्केट में दवाइयां आती हैं जिनको 72 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना होता है। मतलब ये कि अगर आपने गलती से असुरक्षित यौन संबंध बना लिया है और आप प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं, तो महिला को ये टैबलेट 72 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करनी होती है और इससे आप अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात की कोई 100% गारंटी नहीं है कि आपने अनवांटेड 72 या फिर आईपिल ले लिया तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ये टैबलेट फेल हो जाती है, काम नहीं करती है और महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। चलिए ये अलग बात है, हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जो ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए। शादी को कई साल बीत चुके हैं, उन्होंने जाने अनजाने में शुरुआती दिनों में कभी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया था, लेकिन आज वो सालों से इलाज करा करा के थक चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही। दोस्तों आपने हमारे चैनल पे ही इससे पहले भी एक दो वीडियो देखे होंगे जिसमें कि महिलाओं ने इस टैबलेट का कभी इस्तेमाल किया था और इसके बाद से ही उनको कई कई साल लग गए माँ बनने में। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कभी इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल कर लिया है और आपको जो है कंसीव नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, कितना समय लगेगा आपको कंसीव करने में। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए ये जो है ये एक आर्टिफिशियल हार्मोन की टैबलेट होती है और हमेशा आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जब भी हम आर्टिफिशियली हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी के जो नेचुरल हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही बाहर से कोई हार्मोन अपने शरीर में हम डालते हैं तो हमारा जो शरीर है वो हार्मोन्स को बनाना बंद कर देता है। तो इसलिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने कभी टैबलेट का इस्तेमाल किया है और आप कंसीव करने के लिए परेशान है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप अपने जो है टेस्ट कराइए और उसमें कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर मिलेगा कि आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए। इसके अलावा कुछ एक सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेंगे। एक अच्छी नींद लीजिए, एक अच्छी डाइट लीजिए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। इन कुछ चीज़ों से जो है आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं और फिर से आप कंसीव करने के लिए तैयार हो सकते हैं और कंसीव कर सकते हैं। ये तो हुई दोस्तों आईपिल खाने के बाद कंसीव कैसे करें इसकी बात। अब बात करते हैं सक्सेस स्टोरी की। दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसी महिला की स्टोरी बताने वाला हूँ जिन्होंने कभी आईपिल खाई थी और वो उनका जो समय था वो कुछ ऐसा समय था कि वो उस दौरान प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। तो इमरजेंसी में उन्होंने इस टैबलेट का इस्तेमाल किया और उसके बाद यकीन मानिए उनको शादी के बाद 8 साल लग गए पूरे कंसीव करने में। और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, हुआ यही था कि उनको PCOD की प्रॉब्लम हो गई थी और इस कारण से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तरह तरह की ट्रीटमेंट लेती थी, बहुत सारे डॉक्टर्स इन्होंने चेंज कर दिए, IUI भी करा लिए, IVF कराने के लिए डॉक्टर ने बोला लेकिन IVF के लिए इनके पास बजट नहीं था। और इसी तरीके से इनकी शादी के कई साल बीत गए। बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने के दौरान इनके काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च हो गए। अब इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये ट्रीटमेंट करा सके, तो इसीलिए हर वो चीज़ ट्राई करती थी जिसमें पैसे ना लगे। और ये इंटरनेट पे तरह तरह की चीज़ें सर्च करती थी, तो यूट्यूब पे इन्होंने हमारी PCOD वाली वीडियो देखी और उस वीडियो को देखने के बाद से ही सारी बताई हुई चीज़ों को पूरे नियम और विश्वास के साथ इन्होंने फॉलो किया। थोड़ा सा समय लगा, करीब 6 से 7 महीने, लेकिन जो है इनको कंसीव हो गया और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने प्यारी से बेबी गर्ल को जन्म दिया है।
जो भी महिलाएं पीसीओडी से परेशान है, कंसीव करना चाहती हैं, हमारी बनाई हुई वीडियो को जरूर देखें। उसमें बताई हुई टिप्स को फॉलो करें, आपको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कंसल्टेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, आपके सामने रिजल्ट है। इन्होंने कोई कंसल्टेशन नहीं किया, सिर्फ हमारी वीडियो को देखा और टिप्स को फॉलो किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।